नमस्कार साथियों, एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल की। मैंने कहा था कि दो क्लास एक साथ आपकी स्टार्ट होंगी। जो आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है, आपको क्लास मिल भी रही हैं, उसके साथ साथ हम भूगोल भी स्टार्ट करें, क्योंकि वेरियस सब्जेक्ट लेकर के हमें चलना होगा, तभी हमारा काम हो पाएगा। आपने शिकायत भी की थी कि लगातार पॉलिटी क्लास ज़्यादा हो रही है, और आपके शिकायत को हमने अपने सबसे ऊपर रखा, सराखों पर रखा, और आपने जो कहा वो यूपीएससी ने उसे मान लिया, और हम फिर से नई क्लास लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, तो साइंस की क्लास आपकी एज इट इज चलती रहेगी। इसके अलावा जियोग्राफी की भी क्लास आपकी पैरेलल में चलेगी एकदम शुरुआत से। जो जियोग्राफी का जी नहीं जानते हैं वो भी भूगोल के उस सारे सवाल कर पाएंगे, चाहे वो स्टेट पीसी से पूछे जाते हों या यूपीएससी में, चूँकि ओनली यूपीएससी को ध्यान में रख के सारी तैयारी करवाती है, इसलिए हमारा फोकस यूपीएससी पर होगा। लेकिन चूंकि हम फैक्ट को भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी पढ़ाते हैं, अतः स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए भी ये फायदे का सौदा होने वाला है। और फायदा तो होना ही है, क्योंकि ना तो कोई फीस ली जाती है, ना कोई आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, ना आपका मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन होता है, ना ईमेल आईडी पूछते, कुछ भी नहीं पूछते, बस सिर्फ आपके लिए प्रतिदिन हाजिर हो जाते हैं, और आपको बस एक ही जिम्मेदारी लेना होता है, लाइक करना होता है, अपने कुछ और दोस्तों को शेयर करना होता है, ताकि हम कुछ और लोगों के पास पहुंच सकें और अपने इस अभियान को और ज़्यादा सफल बना सकें, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है कि कोई पैसे के अभाव में, पहुंच के अभाव में कोचिंग से दूर ना रह जाए, पढ़ाई से दूर ना रह जाए। अगर किसी में ये क्षमता है, कुवत है कि वो बन सकता है भारत का प्रशासनिक अधिकारी, वो बन सकता है IPS, IAS, IRS, या वो लगता है उसको कि वो पॉलिसी मेकर बन सकता है, वो बैठ सकता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ किसी नीति पर चर्चा करने के लिए, वो बैठ सकता है किसी मुख्यमंत्री के साथ, किसी होम सेक्रेटरी के साथ, कि हम भी बनाएंगे नीतियाँ, हमें भी आता है कि समाज कैसे चलाना है, तो उसके सपनों को उड़ान देने का काम कौन करता है? ओनली यूपीएससी करता है, और वो भी मुफ्त में, कोई फीस कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। जो एकदम नए लोग जुड़ रहे हैं, बस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, समझ लीजिए आपका एडमिशन हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारी फ्री वेबसाइट आपको मिलती होंगी जहां पर वो आपका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, आपका ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, और उसके बाद वो पर डे आपको परेशान करते हैं, ये क्लास स्टार्ट हो रही वो ले लीजिए, यानी कि बेचने का एक दुकान बना के रखे हैं, तो उन सब से मुक्ति आपको दिलाता है ओनली यूपीएससी। कोई नोटिफिकेशन नहीं आना है। अगर आपको लगता है कि बेल आइकन प्रेस करने से आपको कोई दिक्कत हो रही, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, ऑफिस टाइम में आपको दिक्कत हो रहा है, कोई काम आप प्राइवेट कर रहे हैं, जब देखना चाहे तब देखिए, आप बेल आइकन को भी हटा दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब अगर करे रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मजा आने वाला है पूरा, शुरुआत से एकदम पढ़ाई करेंगे और जम के पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने तकनीकी भी सीख लिया है, आप देख रहे हैं कि हम बोर्ड से थोड़ा सा डिजिटल की तरफ बढ़े हैं, बस आपको हमारे इस कदम में थोड़ा सा सहयोग कर देना है, तो हम डिजिटल बोर्ड भी लगा देंगे, यानी कि डिजिटल तो हम हो ही गए हैं, बस डिजिटल बोर्ड तक पहुंचना है, और बस आप थोड़ा सा साथ दे दीजिए तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस लाइक शेयर करना है, कोई रुपया पैसा नहीं, ठीक है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, लाइक करना है, जम के पढ़ाई करना है। ठीक है, इस बार के रिजल्ट में भी ओनली यूपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े थे, उनको फायदा मिला है, उनके रिजल्ट आए। ठीक है, हम चूंकि पूरा सिलेबस कोर्स नहीं बेचते हैं, जो भी हमसे हो पाता है हम आपका सहयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सीधे सीधे रिक्रूट होते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, लेकिन सहयोग जरूर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ग्रोसरी के दुकान पर जब जाते हैं तो सारी सामान आपको वहाँ नहीं मिल जाते हैं ना, आपको कुछ सब्जी भी लेना होता है, आपको कुछ फल भी लेना होता है, आपको कपड़े भी लेने होते हैं, तो आपको अलग अलग जगहों पर जाना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ओनली यूपीएससी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको मिल जाए, वो भी फ्री। ठीक है, तो चलिए आज से भूगोल पढ़ना प्रारंभ करेंगे एकदम जियो से। इससे पहले भी जियोग्राफी की क्लासेस चली हैं, तो जिनको बहुत जल्दी कवर करना है उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप लिस्ट में जाइए हमारे पुराने वीडियोस के और वहां से देख लीजिए, लेकिन जिनको लगता है एकदम जीरो से पढ़ना है वहां से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो पीछे आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा सा भूगोल, ठीक है, और इसका जो है वर्गीकरण भी आप देख सकते हैं, भौतिक भूगोल के रूप में और भारत के भूगोल के रूप में, तो पूरी चर्चा करेंगे। आपको नीचे मैप भी दिख रहा होगा, मैप दिखाएंगे, सब कुछ समझाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, यूपीएससी आपसे कहाँ से सवाल पूछती है, भूगोल का यूपीएससी में महत्व क्या है, उन सबको हम देखते हैं। तो अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर, लेकिन क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले विवेकानंद की वो लाइन दोहराते हैं
कि हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, इंसान को लड़ाई करते रहना है। ठीक है, बहुत सारे लोग असफल हुए हैं, बहुत सारे लोगों का एकदम टेंशन पड़ गया होगा। हो सकता है कि मुखर्जी नगर में बहुत सारे कमरे में सन्नाटा छा गया हो, लेकिन हार नहीं मानना है गुरु, लगे रहना है। ठीक है, जब तक हिम्मत है, जब तक एनर्जी, जब तक क्षमता है, लगे रहेंगे और अपने हक को लेके रहेंगे। यदि आपको लगता है कि आपने है वो कुवत है, आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं, तो आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। ठीक है, तो उसी भाव के साथ हम चलेंगे अपनी क्लास की ओर और बात करेंगे भूगोल की। ठीक है, तो भूगोल का दो सामान्य सा वर्गीकरण होता है, एक होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है भारत का भूगोल। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में दोनों लिखा होता है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत वहां से जहां से सामान्य सा कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन कोई ना रह जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि भूगोल का दो वर्गीकरण है, एक तो आपका यहाँ पर आप देख पाएंगे भौतिक भूगोल और दूसरा है आपका भारत का भूगोल, और इन दोनों से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। हम आपको वर्गीकरण भी दिखाएंगे किस सेक्शन से कितने सवाल आते हैं। ठीक है, सब कुछ एकदम एनालिसिस करके लाया हूँ, किस सेक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं उस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे, कहाँ से सवाल कम पूछे जा रहे हैं उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फोकस एरिया हम अपना वही रखेंगे जहाँ पर ज्यादा सवाल आते हैं, और साथ ही साथ मैप के साथ पढ़ाई करेंगे। एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को मैप पर जब आप समझ पाएंगे ना, तो एकदम से भूगोल आपका भूलेगा नहीं। भूगोल रटने का विषय नहीं है, भूगोल समझने का विषय है, मैप को देख करके अपने दिमाग में चित्र बनाने का विषय है कि आप ऐसे आंख बंद करें तो आपको ऊपर कश्मीर दिखे, कश्मीर के बगल में नीचे हिमाचल दिखे, उसके बाद में पंजाब दिखे, पंजाब के बाद में आपको हरियाणा दिखे, बगल में उत्तर प्रदेश दिखे, उसके बगल में बिहार दिखे, नीचे झारखंड दिखे, उधर पश्चिम बंगाल दिखे। ये मैप में आपको दिखना चाहिए जब आप आँख बंद कर रहे हैं, यानी कि ये नहीं कि आप देखें तो बता पाएं, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि जो हमारे प्यारे भारत का नक्शा है वहाँ पर हमारे राज्य किस तरह हीरा की तरह सजाए गए हैं। वो आपको जब याद रहेगा तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे ही सीख जाएंगे। मैप बहुत जरूरी है जियोग्राफी में बेहतर करने के लिए, और यूपीएससी ने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से पूछा है तो वो है जियोग्राफी के मैप वाला सेक्शन। मैप से यूपीएससी बहुत सवाल पूछती है, क्योंकि भूगोल की जरूरत एक आईएएस ऑफिसर को इसलिए है ताकि वो जियोग्राफिक स्थिति को समझ पाए। मैप से ज्यादा अच्छा चीज कोई होता नहीं है जो किसी को समझा पाए, तो इसलिए मैप सबसे जरूरी है। जिन लोगों ने बीएड बीटीसी का प्रशिक्षण किया होगा उनको पता भी होगा कि बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, चित्रात्मक पढ़ाई। तो चित्र से जितनी चीज आप देख लेंगे ना वो बहुत कमाल की होती है, आप उसे भूलते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भूगोल को दो वर्गीकरण में जो तो है हम बांट करके पढ़ाई करेंगे, और यूपीएससी अपने सिलेबस में लिख करके देती है। पहला है आपका भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पूरी दुनिया भर के भूगोल को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे, कौन सी विंड कहाँ पर चलती है, कौन सी धाराएं कहाँ पर मुड़ती हैं, कौन सा महासागर सागर कहाँ पर है, कहाँ पर ट्रेंच बनी हुई है, यानी कहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, कौन सा वलित है, कौन सा जो भी, मतलब सारी चीज पूरी दुनिया की आप उसमें पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं भौतिक भूगोल या विश्व का भूगोल। वहीं आपके प्यारे भारत का भूगोल, तो इसमें आप भारत की भौगोलिक दशा को पढ़ते हैं कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर जो है पठार है, कहाँ पर सामान्य भूमि है, किस भूमि की मिट्टी क्या है, कौन सी काली मिट्टी है, कौन सी लाल मिट्टी है, कहाँ पर पीली मिट्टी है, इसके अलावा सघन वन कहाँ है, अर्धसघन वन कहाँ है, नदी कौन कहाँ से निकली, कहाँ को गई, कहाँ को काटी, ये सब जब आप पढ़ते हैं भारत के क्षेत्र के अंतर्गत तो ये भारत का भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भारत का भूगोल। और यूपीएससी ने दोनों को एक साथ रखा है, तो भारत की तो बात होगी होगी, इसके अलावा विश्व भूगोल से भी सवाल आते हैं तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाता हूँ और उसके बाद में आप ये समझ पाएंगे कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैप में आप देखिए कि ये जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला मैप ये है वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का मैप है ये। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि जो है जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। उत्तरी अमेरिका आप देखेंगे, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका जो सबसे बाएं तरफ आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा
यूरोप यहाँ पर आपको हरे कलर का दिख रहा है, ये है प्यारा एशिया जिसमें हमारा प्यारा भारत है, लेकिन कुछ दुष्ट देश और हैं, पाकिस्तान चाइना जैसे, ठीक है, उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अफ्रीका यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ये है पूरे वर्ल्ड का मैप, इसका है पूरे वर्ल्ड का मैप है, और ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये है भारत का मैप, और इस प्रकार हमें इनकी पूरी स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, हमने वर्गीकरण पर काफ़ी टाइम दे दिया है, अब बात करेंगे यूपीएससी में जो भूगोल है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसका तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि जरूरी ये जानना है कि जाना कहाँ है। भाई साहब, सड़क पर अगर आप निकल पड़े हैं ऐसे ही गाड़ी लेकर के, तो जाएंगे कहाँ, पता होना चाहिए ना कि कहाँ जाना है। तो पता कहाँ से लगता है, यूपीएससी के सवाल का पता लगता है उसके पाठ्यक्रम से, और किससे, जो उसने सवाल पूछे हैं उससे। तो चलिए पाठ्यक्रम में देखते हैं कि क्या यूपीएससी ने लिखा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी, ठीक है, ये जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, सामाजिक और विश्व का आर्थिक भूगोल, यानी कि सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल विश्व का, ये सब आपको पढ़ना है। ये आपके यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल के सक्षम वाली बात है, ठीक है। अब चूंकि प्रारंभिक परीक्षा से ही तो सिलेक्शन हो नहीं जाता है, सिलेक्शन तो आपका होता है जब फाइनल लिस्ट में नाम आता है, और उससे पहले क्या होता है, उससे पहले होता है आपका मेंस, ठीक है। तो मेंस में क्या है उसको भी देख लेते हैं। आप जानते हैं मेंस में जीएस के चार पेपर होते हैं, जो पहला पेपर होता है उसमें क्या आता है, आपका इतिहास आता है, उसमें आपका भूगोल आता है, उसमें आपके सामाजिक मुद्दे आते हैं, जो आपका भूगोल वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पर आता है, यहाँ पर, ये भारत का विरासत योग, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, और ये भूगोल आपका, तो भूगोल आपके जीएस के पहले वाले पेपर में आता है, ठीक है। ये है इसमें ये जो है मेंस में इसकी भूमिका, और प्रारंभिक परीक्षा में तो आपने देख ही लिया। तो इस प्रकार जो है आपके सिलेबस में यूपीएससी शामिल है, ठीक है। तो अब आप ये समझ पाएंगे कि हमको जाना किस ओर है, ठीक। चलिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं और उसका टॉपिक क्या रहा है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन आपके लिए होने वाला है। देखिए डेटा वो जो कमाल का हो, ठीक है, और रिसर्च करके जब मैं लाया हूँ तो लाइक जरूर बनता है, बहुत मेहनत करके लाया हूँ, ठीक है। ये खोज के निकालने बड़ा टाइप करना पड़ता है कंप्यूटर पे, तो बस आप एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे आप एक ओवर व्यू पाएंगे कि हमको जियोग्राफी में कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो जब तक रणनीति अच्छी नहीं होगी रण जीत नहीं सकते आप, तो रणनीति के पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपली मैंने लिख दिया सब कुछ, इंडिया का जो मैप लोकेशन है, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का जो मैप लोकेशन है, इसमें 15 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये मैंने 10 साल की जियोग्राफी का डेटा निकाला है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिजिकल फीचर्स जो है, यानी कि जो जो आप भौतिक में स्पष्ट समझ पाते से आपकी नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, इन सबसे जो सवाल आए हैं, या आपका जो है कोई भी चीज जिससे आप स्पर्श कर पाते हैं, भौतिक चीजें हैं, तो उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो 4 आए हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे रिवर सिस्टम को अलग से रखा है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए हैं, रिवर सिस्टम से आए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको ये समझना होगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन लाती कहाँ से है। देखिए यूपीएससी एक किसी सरकार की गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, तो वो हमेशा वही सवाल पूछेगी जो उसके नीति नियंताओं को जानने चाहिए। तो भारत के जो नीति निर्माता है उनको क्या जानना चाहिए, भारत का विकास जानना चाहिए। भारत का विकास कैसे होगा, हम संधारणीय विकास की ओर जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रख करके आपको विकास की बात करनी होगी। तो जब आप जो है नदी से उसको जोड़ करके देखते हैं, नदी क्या है, विकास का एक जगह है, वहाँ पर विकास हो सकता है, ठीक है। नदी के जो किनारे वाले भाग रहते हैं वहाँ पर मछली उत्पादन होता है, बहुत सारे लोगों की आजीविका उसे चलती है। नदी का इस्तेमाल करके हम कई जगह पर नहर निकाल सकते हैं जिससे सिंचाई होती है, उससे कृषि उन्नत होती है। इसके अलावा नदियों को जोड़ने का भी प्रयोजन चल रहा है। इसके अलावा नदियों का इस्तेमाल हम एक रूट के रूप में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नदी जो है ना वो बड़ी कमाल की चीज़ है मानव के विकास में, और इसीलिए यूपीएससी की फेवरेट भी है, ठीक है।
उसके आगे आप देखेंगे क्लाइमेट से दो सवाल, वेजिटेशन से यानी कि कौन सा पेड़ कौन सा जंगल कहाँ पे कैसे है उससे 10 सवाल, सॉयल यानी कि मिट्टी से 4 सवाल और एग्रीकल्चर से यानी कि सीधे कृषि से 13 सवाल। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड ये भी जियोग्राफी के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा ट्राइब्स और पॉपुलेशन सिर्फ 13। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ये चीज समझ पाएंगे कि जो मैप लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राइब्स एंड पॉपुलेशन ये बड़े फेवरेट टॉपिक हैं जियोग्राफी में यूपीएससी के। तो हो गई ना कमाल की बात कि आपको ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है। ठीक है, अब आप लग जाइए छांस देशांतर एक एक रखने के लिए, आप लग जाइए जो है एक झरना कहाँ पे बह रहा है, वो पर्वत जो है कितना ऊंचा है नहीं पूछती है भाई साहब, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है लेकिन यूपीएससी नहीं पूछती है। तो आपको स्मार्ट शेडिंग करना होगा तभी मजा आएगा। ठीक है, तो यूनली यूपीएससी पर जो ये कारवां शुरू हुआ है ये अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, एकदम वीडियो में बोलता हूँ। इसी प्रकार जिस तरीके से क्लास स्टार्ट हुआ है इतने ही जोश में हम आपकी क्लास भी करेंगे और सब कुछ पढ़ा करके समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो अगले वीडियो से आप देख पाएंगे। इस वीडियो को स्ट्रेटजी के लिए जानकारी के लिए मैंने बनाया था ये, इसको आप ज्योग्राफी का एकदम पहला क्लास कह सकते हैं, स्ट्रेटजी वाला क्लास कह सकते हैं। अगली क्लास से हम पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जो लोग नए हैं मैं फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे इस कारवां में काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं उनको तो अपनी जिम्मेदारी पता है कि लाइक करना शेयर करना है और लोगों को पहुंचाना भी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।